लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। रास्ता रोक कर बैठे, नहीं निकलने दिए ट्रक ब्यावरा। डीजल, टोल टैक्स, थर्ड पार्टी बीमा सहित अन्य तमाम प्रकार की मांगों को लेकर हड़ताल डटे ट्रांसपोर्टरों ने शनिवार को गुना रोड स्थित गुरुद्वारे के सामने फिर लोडेड ट्रक रुकवाए। दोपहर 1:30 बजे ट्रक ऑपरेटर्स ने चक्का जाम कर दिया और सभी ट्रक वालों से सहयोग की अपील की। दरअसल ऑयल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के तत्वावधान में किए जा रहे चक्का जाम विरोध प्रदर्शन को पहले दिन मिले जुले सहयोग के बाद शनिवार को लोकल के तमाम ट्रकों के पहिए थम गए। सभी ऑपरेटर्स ने ट्रक खड़े कर गुना रोड पर विरोध जताया, दोपहर 1:30 बजे से चक्का जाम किया। लंबी दूरी का माल लेकर 2 दिन से चल रहे ट्रक वालों को उन्होंने रोका और समझाइश दी। इस पर तमाम ट्रक वाले भी आसानी से मान गए और चक्का जाम में सहयोग किया। बीच रोड पर किए गए चक्का जाम के दौरान लोकल के तमाम वाहन निकलते रहे। ट्रक वालों ने अपनी व्यापक मांगे शासन से रखी। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से किसी ने कोई जवाब तलब अभी तक यूनियन से नहीं किया है। ऐसे में फिलहाल हड़ताल नियमित जारी रहेगी। हर दिन 100 से 150 ट्रक ब्यावरा में इंदौर भोपाल से आते हैं। शनिवार को कोई भी ट्रक रवाना नहीं हुआ। ऐसे में रूटीन में ट्रांसपोर्ट पर आने वाले उक्त तमाम ट्रक नहीं आएंगे। इससे थोक व्यापारियों का परचून, तेल, किराना, खल का पास्या, सरिया, सीमेंट इत्यादि रोजमर्रा की सामग्री भी नहीं आ पाएगी। यदि समय रहते हड़ताल खत्म नहीं हुई तो यह परेशानी और भी बढ़ सकती है। हालांकि सब्जी छोटे वाहनों में आती है, लेकिन हड़ताल जारी रही तो लंबी दूरी से आने वाली सब्जियां यहां तक नहीं पहुंच पाएंगी। डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। हमारी तमाम मांगें जायज है और उन्हें मानना ही होगा। अभी तक हमें किसी ओर से कोई आश्वासन नहीं मिल पाया है। हड़ताल सतत जारी रहेगी। रणजीत सलूजा, ट्रांस सपोर्टर, ब्यावरा मंडी में खरीदारी प्रशासन ने ही बंद कर दी है। ट्रक नहीं होने से बाहर माल नहीं भेजा जा सकता। व्यापारियों ने जो सौदे कर लिए हैं, उनके कैंसिल होने की आशंका है। हड़ताल से सप्ताह भर पहले से पेंडिंग ऐसे सौदों में कैंसिल होने का डर बना हुआ है। गिरीश गुप्ता, वरिष्ठ गला, कृषि मंडी, ब्यावरा।